हेलो एवरीवन, हेलो अभिषेक के 2023 मिशन में भाग लेने वाले प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अध्याय 5 में घुस चुके हैं और अध्याय 5 का पहला वीडियो आ गया है, जिसमें मैं पहले वीडियो में ये बहुत तरीके से बेहतरीन तरीके से यार बताया मैं आपको, फिर ये मैं बताया। तो जो भी वीडियो ये सेकंड, जो भी बच्चे सेकंड नंबर का वीडियो देख रहे हो, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि पहला वीडियो देख के आइए, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन चालू करने वाला हूँ। एक आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए। चलो, अब इसमें कोई ग्राफ नहीं है, मैं आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको देख के आप बता दे रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट सर एक है, सर राइट हैंड लिमिट सर 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक है, राइट हैंड लिमिट एक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक है, राइट हैंड लिमिट एक है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप ग्राफ देख के बता दे रहे हो। यहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं दिया, ये तो लफड़ा हो गया, कैसे करें। तो देखो, जब ग्राफ ना दिया हो तो कैसे करेंगे, तो लिखो हल। तो कैसे करेंगे, ऐसे करके हल करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित फलन एफ ऑफ एक्स, हाँ एफ ऑफ एक्स दिया है, के सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य की जांच कीजिए बोला है, मतलब कि हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, ऐसे करके सांतत्य की जांच करना है। ये अगर तीनों इक्वल आ गया तो सांतत्य है, ये वाली बात तो हम लोगों को क्लियर है। अब देखो दूसरा, ये एफ ऑफ ए का बड़ा मसला है कि ग्राफ ब्रेक कहां पे हो रहा है। यहां पे हम लोग को दिख रहा था कि जीरो पे ब्रेक हो रहा है, यहां मैं बोल दिया एक्स बराबर 0 पे, यहां पे किस पे ब्रेक हो रहा है। तो हमेशा यहां पे से देखना, ये यहां से देखना, जहां पे भी बराबर का चिन्ह लगा है वहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। बराबर का चिन्ह देखो कहां है, ये तो एक्स लेस देन 0 बराबर नहीं बोला, ये क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दिया, ये इक्वल टू जीरो मतलब ग्राफ कहां पे ब्रेक हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक हो रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम लोग सांतत्य की जांच करने वाले हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 जहां पे भी बराबर दिख गया वहां पे अगर रहता, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 लिख देता तो यहां पे एक्स बराबर 2 पे हो जाता है। क्लियर है सर, ये हो गया, मतलब 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो मतलब आप ये 0 पे खड़े हो, ये 0 पे खड़े हो, यहीं पे ब्रेक हो रहा है, मतलब 0 के पहले वाला आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 के बाद वाला हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। यहां तक क्लियर है क्या, ये मैं पहले ही आप लोगों को बताया, ठीक है, पहले वाले वीडियो में बताया था जहां पे ग्राफ टूट रहा है उसके ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होगा राइट हैंड लिमिट। क्लियर है क्या भाई। अब देखो क्या करते, अब सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, यही निकालेंगे यार, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो पूरा ध्यान से देखना है ना। चलो मैं निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाई सीमा, ओके लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाला। तो देखो कैसे करके लिखेंगे ये एक बार समझ जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, कहाँ पे ग्राफ टूट रहा है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे करेंगे, एक्स टेंस टू, ये 0 पे टूट रहा है ना, 0 पे टूट रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब 0 के पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 के पहले, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके शो कर देंगे 0 माइनस, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, तो मैं क्या कर दूंगा, लिमिट कहाँ पर टूट रहा है भाई, 0 पे टूट रहा है, तो एक्स टेंस टू 0, लेकिन मैं राइट हैंड लिमिट हूँ ना, 0 से बाद की बात कर रहा हूँ ना, 0 से बाद की बात कर रहा हूँ, तो ये 0 प्लस, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। और मैं कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, जब टेंस टू 0 होता है तो 0 से बड़ा ही होता है राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में टेंस टू 0 होता है तो 0 से छोटा ही होता है, वो डीप में मैं अपने ऐप वाले कोर्स में बताया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को उतना डीप में नहीं जाना है। तो ये समझ गए, यहाँ पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 पे टूट रहा है, 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 पे टूट रहा है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 0 से छोटा, 0 के पहले, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा, ये प्लस लिखा। अब देखो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कर दो, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन का निकालना है ना, एफ ऑफ एक्स का, यहाँ पे कर दिया मैं एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखते रहना क्या करना है, हमेशा पहला स्टेप ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, हमेशा माना, क्या मानोगे कहां पे टूट रहा है, देखो एक्स बराबर 0 और यहां पे लिखोगे माइनस एच, एक्स बराबर 0
ठीक है, जीरो पे टूट रहे है। माइनस एच का मतलब क्या होता है, एच बहुत ही छोटी संख्या है, तो जीरो में कोई भी छोटी संख्या को घटाओगे तो आप लोग को जीरो से छोटा ही मिलेगा, जीरो से छोटा ही मिलेगा। यहां पे करोगे माना माना एक्स एक्स बराबर, एक्स बराबर कहां पे टूट रहा है, जीरो, और हम लोग क्या है राइट हैंड लिमिट में, मतलब जीरो से बड़ा, तो यहां पे करोगे प्लस एच। तो हम ये यहां पे मान रहे हैं कि एक्स बराबर जीरो माइनस एच, जो एक्स है ना वो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा तो जीरो माइनस एक्स, ये एक्स है फलन का वो एच मतलब जीरो से बड़ा है तो जीरो प्लस एच। जीरो में मैं कुछ भी जोड़ूंगा, कितनी भी छोटी राशि जोड़ूंगा तो जीरो से बड़ा ही आएगा, राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से बड़ा। अब यहां पे क्या करो, हर में सब चीज में एक्स टेंस टू जीरो, जीरो पे टूट रहा है एक्स टेंस टू जीरो, जैसे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे एच की वैल्यू निकालना, एच टेंस टू जीरो आएगा हमेशा। तो आप लोग हमेशा कर देना, जहां पे टूट रहा है वो तो हमेशा एच टेंस टू जीरो ही आएगा। अगर मान लो कभी एक्स बराबर एक पर करते तो एक पे टूट रहा है तो एक्स टेंस टू वन करते तो एच टेंस टू उसमें भी जीरो आता, अभी आगे के प्रश्न में देखेंगे। अगर मान लो पांच पे टूट रहा है तो यहां पे क्या लिखते बताओ, अगर पांच पे टूटता तो एक्स बराबर पांच माइनस एच, फिर हम लोग जीरो की जगह पांच में खड़े होते, यहां पे लिखते एक्स बराबर पांच प्लस एक्स एच, यहां पे लिखते एक्स टेंस टू पांच और यहां पे लिखते एक्स टेंस टू पांच, उस केस में एच टेंस टू जीरो आएगा ही, एच टेंस टू जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये माना करके मैं लिखा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से बस देखते रहना लिमिट। अब हम लोग एक्स टेंस टू जीरो को एच के में बदल दिए हैं तो हमेशा यहां पे एच टेंस टू जीरो आएगा ही, जब कभी भी माना करोगे तो ये वाली लाइन यहां पे एच टेंस टू जीरो आएगा। हम लोग एक्स टेंस टू जीरो को अब एच टेंस टू जीरो में बदल दिए। अब यहां पे प्लस माइनस की, प्लस माइनस वो मत देखना, एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखा मैं, एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच रखा, जीरो माइनस एच, यहां पे एफ ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू क्या रखा देखो, मैं एक्स की वैल्यू रखा मैं जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। अब ध्यान से देखते रहना ना, बस एक ही क्वेश्चन देख लो, शांतत्य समझ जाओगे और कलनित्य भी समझ जाओगे। अब इसको अगर मैं देखूं तो क्या है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटी राशि, जीरो से छोटी राशि। तो यहां पे ढूंढो जीरो से छोटी राशि में कौन सा फलन मिल रहा है, ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो और जीरो से बड़ा पे एक्स मिलेगा मेरे को, क्या है जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा चाहिए, तो ये क्या है एक्स लेस देन जीरो, ये देखो जीरो से छोटा है, और जब जीरो से छोटा है तो मेरे को फलन क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिखूंगा, कौन सा फलन मिला, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा, क्योंकि जीरो में कुछ भी घटाएंगे तो जीरो से छोटा मिलेगा, और जीरो से छोटा में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना एक्स की जगह में जीरो माइनस एच लिखा हूं तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स की जगह में मैं लिखूंगा जीरो माइनस एच का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर ही है, एक्स की जगह में यहां पे जीरो माइनस एच लिखा, वहां पे जा रहा हूं, वहां पे जा रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखने वाला हूं, ये देखो ये है लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब क्या है जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा, ढूंढो जीरो से बड़ा कहां पे है, ये है जीरो से बड़ा, ये है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा ये है, तो मेरे को फलन क्या मिला एक्स मिला, एक्स मिला। तो यहां पे मैं एक्स लिखूंगा, हाँ एक्स लिखूंगा, लेकिन मैं यहां पे एक्स को कुछ मान चुका हूं वो लिखूंगा, तो एक्स को क्या माना हूं, मैं एक्स को क्या माना हूं जीरो प्लस एच, तो यहां पे लिख देंगे जीरो प्लस एच, ठीक है। यहां पे एक्स स्क्वायर था तो जीरो माइनस एक्स एच का स्क्वायर, क्योंकि एक्स को जीरो माइनस एच माना, यहां पे जीरो प्लस एच है क्योंकि एक्स को जीरो प्लस एच माना था, और यहां पे जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो मेरे को एक्स मिलता है। अब क्या करूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा, जैसे कि ये है एच टेंस टू जीरो, मतलब जहां जहां पे भी एच है वहां जीरो पुट कर दो, इसमें जहां पे भी एच है वहां जीरो पुट कर दो। अब जब लिमिट पुट कर रहे हो ना तो फिर से आपको लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप
H tends to 0 पुट कर रहे हो, तो जहां जहां पे भी H है वहां 0 पुट कर दो, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब यहां पे भी लिमिट पुट कर दो, यहां पे भी लिमिट पुट कर दो, मतलब H की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, 0 प्लस 0, वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई यहां पे 0 आई, ये हुआ राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ गया। अभी एक और है, एफ ऑफ ए भी देखना है, एफ ऑफ ए भी अभी लिख मत देना, अभी लिख मत देना कि ये सांतत्य है, नहीं भाई, अभी एक और चीज देखना है, एक और चीज देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एफ ऑफ ए भी देखना है। ए क्या होता है, जहां पे फंक्शन टूट रहा है, कहां पे फंक्शन टूट रहा है, जहां पे यहां पे इज इक्वल टू दिखा, इज इक्वल टू जीरो में दिख रहा है, तो जीरो पे फंक्शन टूट रहा है, तो ध्यान से देखना, जीरो पे फंक्शन टूट रहा है ना, जीरो पे, तो देखो यहां पे जीरो, जब जीरो है तो फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टूट रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो देखो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू, ये तो जीरो से कम है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या है, एक्स, फंक्शन क्या है, एक्स, किस पे लिखा रहे हैं, जीरो पे लिखा रहे हैं, तो जीरो पुट कर दो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, पहले फंक्शन ढूंढो, जीरो पे टूट रहा है तो जीरो पे क्या है वो फंक्शन ढूंढो और लिख दो, और फिर एक्स की वैल्यू जहां पे टूट रहा है, जीरो पे टूट रहा है जीरो लिख दो, एक पे टूट रहा है एक लिख दो, जीरो पे टूट रहा है तो ये जीरो आ गया। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो ही आया, मतलब अगर ध्यान से देख रहे होगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए और ए की वैल्यू जीरो, मतलब ये आ गया। अगर ये आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे दया कि x बराबर जीरो पे एफ ऑफ एक्स सांतत्य है, सांतत्य है, तो इसका आप लोग आंसर लिखोगे x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो क्यों, क्योंकि वहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x बराबर जीरो पर दिया गया फलन सांतत्य या संतत होगा, तो ऐसे करके करते हैं। तो आप लोग को मैं बताया, एक तो अपना देसी भाषा बताया कि जहां पे पेन नहीं उठ रहा है वो संतत है, पेन उठ गया वो संतत नहीं है, उसको असंतत बोलते हैं। या तो बताया ग्राफ दिखा तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन क्या होगा जब ग्राफ नहीं है तो भी मैं बता दूंगा, ग्राफ नहीं है तो भी क्या होगा, क्लियर है क्या। तो ये जबरदस्त तरीके से मैं बताया, जबरदस्त तरीके से मैं बताया, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर टू देखो, फटाक से देखेंगे आप, समझ गए तो क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, निम्नलिखित फलन एफ ऑफ एक्स में सांतत्य की जांच करना है। क्या क्या करना है वो राम कहानी में पहले ही लिख लेता हूं। यहां पे हम लोग लिखे सांतत्य ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए हम लोग को देखना है। ओके सर, दूसरा क्या है, कहां पे टूट रहा है फंक्शन, कहां पे टूट रहा है, यहां पे देखो, यहां पे इज इक्वल टू किसके में, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो इक्वल नहीं आया, ये एक्स लेस देन इक्वल टू टू, सॉरी ये जीरो नहीं है ना, एक्स ग्रेटर देन टू है, जीरो निकल गए, एक्स ग्रेटर देन टू, ये एक्स लेस देन इक्वल टू टू है, इक्वल टू आ गया, मतलब फंक्शन मेरा एक्स बराबर टू पर ब्रेक हो रहा है, एक्स बराबर टू पर ब्रेक हो रहा है, एक्स बराबर टू पर ब्रेक हो रहा है, मतलब ये टू पे आप खड़े हो, टू पे आप खड़े हो, तो टू के इधर क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट, टू के इधर क्या होने वाला है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फटाक से करेंगे, ठीक है, हम लोग किस पे कर रहे हैं, ये हल x बराबर टू पे है ना, हल हल हल, ये हल x बराबर टू पे, x बराबर टू पर हम लोग जांच कर रहे हैं, टू पर जांच कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना कि x बराबर जीरो पर हम लोग जांच कर रहे हैं, क्लियर है क्या। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू किस पे ब्रेक हो रहा है, किस पे ब्रेक हो रहा है, टू पे ब्रेक हो रहा है, तो ये टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये माइनस कर दो, और ये एफ ऑफ एक्स। अब उसके बाद माना करते हैं, माना राइट हैंड लिमिट भी यही पे निकालूंगा मैं, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे टूट रहा है, टू पे टूट रहा है, राइट हैंड लिमिट मतलब टू से बड़ा, तो प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब माना, माना मानो यहां पे, माना क्या मानोगे, एक्स बराबर किस पे टूट रहा है, टू, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब टू से कम, तो माइनस एच, यहां पे लिख दो जहां पे टूट रहा है, एक्स टेंस टू टू, एक्स की वैल्यू टू पुट करो, एच टेंस टू जीरो आएगा ही आएगा, एच टेंस टू जीरो आएगा ही आएगा, तो यहां पे लिख दो लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या लिखे आप, टू माइनस एच। यहाँ पे भी माना करो आप, यहाँ पे माना माना एक्स बराबर कहाँ पे टूट रहा है, टू पे टूट रहा है, राइट हैंड लिमिट मतलब दो से बड़ा, तो प्लस एच। ठीक है, तो x टेंस टू कहाँ पे टूट रहा है, टू पे, तो टू लिख दो, तो h टेंस टू जीरो होगा ही होगा, x की वैल्यू टू करके देख लो, h की वैल्यू जीरो ही आएगा। तो लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे h टेंस टू जीरो पुट करना भूलना मत ना इसके बाद, जस्ट ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या रखा मैं, टू प्लस h। अब यहाँ पे जो फंक्शन है टू माइनस h मतलब दो से छोटा, ढूंढो इसमें दो से छोटा कौन सा है, ये है x लेस देन इक्वल टू टू, लेस देन दो से छोटा ये है, दो से छोटा ये है, तो मेरे को क्या मिला, ये मिला, दो से छोटा है तो क्या मिला, ये मिला। तो लिखो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ टू माइनस एच, दो से छोटा, दो से छोटा क्या है ये, ठीक है इक्वल टू है उसको नहीं देखना है, छोटा देखना है, छोटा है ना, हाँ क्या है 2x plus 3, तो यहाँ पे मैं 2x plus 3 लिखूंगा, लेकिन x को क्या माना हूं, 2 minus h, तो ये 2 x की जगह क्या लिखूंगा, 2 minus h, फिर क्या है plus 3, ये plus 3, plus 3, यहाँ पे की बात कर रहा हूं, ये लिमिट h tends to 0, h tends to 0 क्या है 2 plus h, ढूंढो दो से बड़ा कौन सा है, दो से बड़ा यही है x greater than 0, जब दो से बड़ा है तो फंक्शन क्या है 2x minus 3, 2x minus 3, यहाँ लिखो 2, x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा 2 plus h, ये हो गया 2x हो गया, x की जगह ये लिखा minus 3, minus 3, अब h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और h की वैल्यू पुट करूंगा ना, तो ये लिमिट फिर से नहीं लिखूंगा, h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 2 minus 0 plus 3, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 plus 3 बराबर 7, ये मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 7 आया। अब राइट हैंड लिमिट देखो, जीरो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 3, ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1, ये किसकी वैल्यू आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 7, राइट हैंड लिमिट क्या आया 1। अब मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा, एफ ऑफ ए नहीं निकालूंगा, क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये सांतत्य है ही नहीं। अब एफ ऑफ ए बराबर आए चाहे मत आए, एक कंडीशन फेल हो गया, अब एफ ऑफ ए नहीं निकालेंगे, एफ ऑफ ए कब निकालते, जब ये दोनों बराबर हो जाता, तो एफ ऑफ ए को हम लोग देखने जाते कि बराबर है कि नहीं, बराबर होता तो सांतत्य है, बराबर नहीं होता तो सांतत्य नहीं है। यहां पर तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो खत्म ना, खत्म, सांतत्य नहीं है। तो आप लिखोगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर दो पर सांतत्य नहीं, एक्स बराबर दो पर सांतत्य नहीं, ये मैं पूरा बताया, मैं पूरा बताया, पूरा बताया मैं आपको, ये आएगा हाँ 2 प्लस एच, 0 दो दूनी 4 माइनस, ये हो गया दो क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो में ये टॉपिक ही खत्म कर दूंगा, टॉपिक ही खत्म कर दूंगा, टॉपिक खत्म कर दूंगा, सांतत्य खत्म हो जाएगा, सांतत्य खत्म हो जाएगा, और अवकलनीयता में अब बेस बताने की जरूरत नहीं है, पूरा बेसिक इसी में छुपा था। तो मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।